आपस में ही आप लोगों का प्रॉब्लम है। मैंने कुछ ये भी छाप देना ठीक है। चलो आ जाओ। लंबे समय के बाद खतरों की टीम जो है वो एक साथ आई है। हाँ जी, पहले तो इस चीज का कितना ज्यादा एक्साइटमेंट? बहुत, चेहरे पे खुशी दिखी रही होगी क्योंकि हमारा पैक जो था ना इस बार बहुत अमेजिंग था, बहुत इंटरटेनिंग और बहुत ही मस्त थे हम लोग। तो हमारा जो रिलेशन है इस बार का आपस में सब लोगों का वो बहुत ही प्योर है, अमेजिंग बॉन्ड है। तो जब भी हम लोग सब मिलते हैं तो बहुत शेयर करते हैं उस बॉन्ड को। सेम यहाँ पे भी वही हो रहा है। वेल, वरुण है और विशाल है, वहाँ तो टफ कंपटीशन दोनों के बीच में, यहाँ पे कंपटीशन है या फिर सिर्फ फन? नहीं, मैं यहाँ पे सही में सिर्फ फन करने आया हूँ, जितना मजा ले सकूँ इस गेम का और जितने मजे कर सकूँ इस गेम में। यहाँ कुछ भी, कोई भी कंपटीशन नहीं है, कुछ भी, कोई भी जीत हार नहीं है। वेल, वरुण के साथ में हुआ कंपटीशन? अरे वरुण के साथ तो हमेशा रहेगा कंपटीशन, जब भी हम ऐसे किसी मतलब वरुण के साथ लड़ने या किसी चीज़ के कम्पीट करने का मज़ा नहीं है। वरुण है वहाँ पे, उसके साथ ही कम्पीट करने का मज़ा आता है। मतलब सही है भाई, दोनों एक जहाँ कहीं भी होते हैं तो स्पोर्ट्समैन वाली स्पिरिट रखते हैं। सो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। जीते आप वरुण के साथ में कंपटीशन? ये मैं नहीं बताऊँगा, आप शो देखना। नहीं, मैं बताऊँ, वरुण जीत गया मेरे से फिर से। अभी है लेकिन वो जैसा सारे एक्टर बोलते हैं हम बता नहीं सकते। भारती और हर्ष के शो के बारे में बोलूँगा कि बहुत ही बेहतरीन दोनों इंसान हैं और बहुत ही मेहनत और शिद्दत के साथ वो शो लेके आ रहे हैं। आप लोगों को पता है जहाँ कहीं भी वो होते हैं वहाँ पे फन होता ही होता है, कुछ अलग सा आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा देखने को। सो वेट कीजिए इस शो के लिए और देखिए वो कितना मजा आने वाला है। वेल, बिग बॉस के बारे में पूछो, आप इरिटेट हो जाते हैं लेकिन फिर भी बता दें कि कितने? नहीं, मैं इरिटेट नहीं होता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है ना, आप लोग हर कोई अलग अलग एक ही सवाल पूछते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ही आंसर कैसे सबको बोलते रहूं, इसकी वजह से। कौन है फेवरेट? यस, मुझे पता था ये आया क्वेश्चन। कोई एक फेवरेट नहीं है, लेकिन जिन लोगों को देखना पसंद है, मतलब जो भी ग्लिम्स मैंने देखे हैं, जो भी थोड़े बहुत फुटेज देखे हैं मैंने बिग बॉस के, उनमें से प्रतीक, फिर मैं भूल जाता हूँ इंसान का नाम, लेकिन सबसे पहले निशांत रहेगा। निशांत था मैं ना? हाँ, निशांत और प्रतीक, उसके बाद कुंद्रा जी, उसके बाद समिता जी, उसके बाद तेजस्वी जी। Well, प्रतीक की बात की है तो कल टास्क रद्द हो गया। बस नहीं पता मुझे, उन्हें देखा ही नहीं है। पर उनके एग्रेसिवनेस के बारे में? अरे यार, मुझे नहीं, मैं देखो सिंपल सी बात है, हर इंसान का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी भी चीज़ को लेकर, उसका अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसकी अलग एनर्जी है। सेम एनर्जी अगर आप कुंद्रा साहब से एक्सपेक्ट करोगे तो वो नहीं होगी, या अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि प्रतीक कुंद्रा साहब की तरह बिहेव करे, रिएक्ट करे, वो नहीं होगा। डिफरेंट लोगों का शो है, डिफरेंट तरह से लोग खेलेंगे ना, दैट्स इट। सीता जी की शादी हो गई, पूछ रहे हो तुम रामायण का, बताया? ठीक है, फिर से बताओ तुमको। ठीक है, चलो बता देता हूँ मैं। निशांत, उसके बाद प्रतीक, करण कुंद्रा, उसके बाद समिता जी, उसके बाद तेजस्वी, विशाल भी, कुटियान भी अच्छा कर रहा है, मतलब हाँ अच्छा कर रहा है। सिम्बा नागपाल, बोलना क्या है, ब्लॉकबस्टर है, धाकड़ है यार, मतलब रोहित सर की फिल्म है, सिटी बजनी बजनी है यार, डेफिनेटली। फर्स्ट से फर्स्ट होगा नहीं पता, लेकिन कोई शक? कोरोना के बाद फर्स्ट मूवी जो रिलीज हो रही है, वही तो बोल रहा हूँ कि हालांकि बहुत दिनों के बाद थिएटर रीओपन होने वाले हैं, एक अलग ही खुशी है उस चीज़ को लेके। बस मैं इतना कहूँगा कि हम लोग सतर्क भी रहे हैं थोड़ा, और कुछ नहीं, दैट्स इट। थैंक यू। फोटो लेने देना है? हाँ, ले। क्या ले रहे हो विजुअल, देख रहे हो कपड़े, मतलब नहीं सही है भाई, अभी गाड़ी धोके आ रहा हूँ। हाँ बाबा, विशाल भाई थोड़ा टर्न हो जाइए यार, मेरे लिए लेना वीडियो, मेरा फोन एक मैं ले रहा हूँ, तो चाहिए तो ले ले। वेट सर यहाँ पे यहाँ पर। अरे हम पढ़ो पम्प।